नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो सामने आप देख रहे हैं Splendor Plus X-Tech का न्यू कलर, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। साथ ही इसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट किए हैं, जिसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये कलर ऑल ब्लैक थीम के साथ में इसमें काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको X-Tech की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और साथ ही Splendor Plus आपको 3D में देखने को मिल जाते हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है ये Splendor, जो कि लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और साथ ही इसमें अब आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया, और साथ ही इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर बात कर ले मैं इसके फ्रंट से, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है इसका फ्रंट डिज़ाइन। यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया से इसमें ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही ये इसका आपको LED DRL देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर कंपनी ने फ्रंट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे X-Tech है, और यहाँ पर हीरो का आपको 3D में लोगो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और बदलाव किया है कंपनी ने, जो कि है इसका साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का फीचर। यहाँ पर अब आपको इसमें साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि अगर आपकी बाइक गियर में है और आप जैसे क्लच छोड़ते हैं तो वो आपकी बाइक आगे नहीं बढ़ेगी, इंजन बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी वाला फीचर है, यानी कि स्टैंड लग रही होगी तो आपकी बाइक चलेगी नहीं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है साइड से। और यहाँ पर सीट की बात कर ले मैं, तो काफ़ी आपको बढ़िया ड्यूल स्टिचिंग के साथ में सीट देखने को मिल रही है, काफ़ी प्रीमियम सीट है ये। कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिल रहा है, हालांकि राइडर और पिलियन के लिए ही ये सीट बनी है, तो काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल सीट है ये। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप तो कुछ इस प्रकार से आपको राइट साइड से देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको किक वगैरह देखने को मिल रही है, और साथ ही यहाँ पर इसमें भी आपको इस पैनल पर X-Tech और Splendor Plus लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको हीरो का 3D में लोगो देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी यहाँ पर इसका ग्राफिक्स देखेंगे आप, तो इसके कलर जो दिया है कंपनी ने वो आपको देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया कंपनी ने इसमें। टायर साइज सब आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, 80x100 के फ्रंट में और रियर में टायर देखने को मिलते हैं, और साथ ही 130mm के आपको फ्रंट में और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, हालांकि डिस्क ब्रेक का ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है, और रियर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। बाकी यहाँ पर इसमें इंजन की बात कर ले तो 100cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिल रहा है, और 4 स्पीड का गियरबॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। माइलेज लगभग आपको इसमें 65 से 75 के बीच में देखने को मिल जाएगी आसानी से। बाकी यहाँ पर आपके चलाने के ऊपर भी है कि आप बाइक को कैसे राइड करते हैं। तो ये कुछ आज की इस वीडियो में Splendor Plus X-Tech के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।